दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा एक्सपायरी डेट को फाइंड करना, हाईलाइट करना सीखेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि जो भी डेट्स हैं, जो मेरा एक्सपायरी डेट पहले हो चुका है या फिर जो आने वाले कुछ दिनों में जो एक्सपायर होने वाले हैं, वो उन डेटों को हम जो है कैसे हाईलाइट कर सकें या फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा जो कौन सा एक्सपायरी डेट जो आने वाला है या कौन सा हमारा एक्सपायरी डेट बीत चुका है। तो इस वीडियो में इसका हम सोल्यूशन जानेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और ये सारी जो इस सीट का आपको लिंक भी इस वीडियो में, इस सीट का जो लिंक है, ये सीट आपको प्रैक्टिस के लिए जो है आपको मेरी वेबसाइट पे ये सारी सीटें मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड करके आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप मेरे वेबसाइट को भी वहाँ पे रीड करिएगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है। तो दोस्तों, उसको भी विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप तो हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, अभी आप से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो मैं आप सभी से एक मतलब आपसे एक सपोर्ट चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। और जब आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये चैनल किसी काम का नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे और वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो भी डेटा है, उस डेटा में जहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट है, उस पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मतलब एक्सपायरी डेट के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, एक्सेप्ट आपकी हेडिंग को छोड़ करके पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने होम टैब में जाना है, वहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में जाना है। यहाँ से देखिए, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो इसलिए मैं जब बस उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको वहाँ से समझ लेना है। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपको न्यू रूल ऑप्शन में जाना है। न्यू रूल ऑप्शन में यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कर्सर करके वो फार्मूला यहाँ पे टाइप करना है। तो चूंकि मैं पहले से बना के रखा हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करूँगा। मैं आपको यहाँ उसको मैं दिखा देता हूँ कि वो फार्मूला कहाँ क्या है। इसके लिए हम जाते हैं मैनेज रूल्स में और यहाँ पे देखिए, वो फार्मूला मैंने बना के रखी हुई, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और एडिट रूल ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ के साथ मैंने ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं एक्सेल सीट पे रख के आपको इसको समझाता हूँ। आपको ये फार्मूला जो मैंने अभी ये एडिट फॉर्मेटिंग रूल, ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जहाँ पे मैंने आपको बताया न्यू रूल, यहाँ पे आपको ये फार्मूला टाइप करना है। ये देखिए, इसमें जैसे क्लिक करूँगा यही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जब हम मैनेज रूल्स पे क्लिक करते हैं। तो ये हमें यहीं पे सारा फार्मूला पेस्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखी हुई, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ तो इस फार्मूले का एक्चुअल में मीनिंग क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, मैंने ये फार्मूला यहाँ से ले लिया है और मैं फंक्शन की के साथ F2 प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये फार्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैंने यहाँ इफ कंडीशन के साथ ये फार्मूला लिया हुआ है और मैंने लिया हुआ है कि इफ इज नंबर, इस नंबर पर ये D6 मैंने, ये आपका एक्सपायरी डेट का जो ये सेल है, पहले आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको ये पूरा रेंज सेलेक्ट करके आपको वहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो D6 अगर ये इक्वल है, मतलब ये इस नंबर का दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इस नंबर जो होता है किसी भी डेटा में नंबर को चेक करता है। अगर वो नंबर जो होता है तो वो आंसर हमें ट्रू में देता है, अगर नंबर नहीं है तो वो हमें फॉल्स में देता है। मैं इसको आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप इक्वल टू साइन कर टाइप कीजिए और इज नंबर यहाँ पे लिखिए। जैसे ही आप इज नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, आप सेल को देखिए सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि ये नंबर है या टेक्स्ट। तो अगर ये नंबर है, चूँकि यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे अगर ये जैसे अभी ये मैं इस पर अगर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, इसी को मैं एडिट कर देता हूँ। अभी B6 को मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सेल नंबर मैंने दे दी B6। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्योंकि ये टेक्स्ट है नॉट ए नंबर। तो नंबर को मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे इज नंबर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है दोस्तों। अगर ये जो कि मुझे बता रहा है कि अगर ये नंबर है और ये नंबर है, तो हम यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको पता होगा दोस्तों कि इफ में दो कंडीशन, अगर वैल्यू मेरे ट्रू हो
और अगर वैल्यू मेरी फॉल्स हो, तो अगर जब वैल्यू मेरी ट्रू हो तो मैंने ये कंडीशन दिया हुआ है और के साथ, और मैं क्या कंडीशन दी है वो देख लीजिए। अगर जो मेरा टुडे है, टुडे एक फार्मूला है जो कि आज का डेट हमें बताता है, अगर जैसे कि आज के डेट में मेरा अगर 12 तारीख है तो मैं अगर टुडे जो होता है अप्लाई करूं इक्वल्स टू टुडे और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा तो वो मुझे डेट बताता है। तो ये डेट का, इसी डेट का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है कि इसमें मैंने लिखा हुआ कि आर टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज मेरा अगर ग्रेटर देन है D6 से, मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रेटर देन इक्वल्स है D6 के, तो इसमें इसका कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि टुडे मतलब जो मेरा आज का डेट है, आज है 12 तारीख अगर मेरा एक्सपायरी डेट से बड़ा हो या फिर बराबर हो तो पहला कंडीशन होगा, फिर या फिर टुडे मेरा जो होता है बराबर हो D6 माइनस फोर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ टुडे मेरा जो होता है ये वाला कंडीशन यहाँ पे दूसरा मैंने दे दिया हुआ कि माइनस मुझे 4 वैल्यू तक यहाँ पे दिखाना था, और इसी तरीके से फिर मैंने यहाँ पे एंड फंक्शन दिया हुआ है। मतलब आपको ये जो दूसरा कंडीशन है मैं और का मतलब ये होता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर मेरी मैच खाती है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसमें मैंने दोनों कंडीशन को मैंने चेक किया है कि अगर ये जो होता है D6 से बड़ा है, मतलब एक्सपायरी डेट से बड़ा है या फिर बराबर है, या फिर वो जो होता है D6 से माइनस 4 है, मतलब जितना जो आपका एक्सपायरी डेट है उससे जो होता है 4 कम है। मतलब अगर ये सपोज मानिए कि अगर ये 12 है तो 12 और मेरा एक्सपायरी डेट अगर यहाँ पे 16 है, तो अगर ये 16 जो होता है 16 में से अगर हम माइनस 4 कर दें तो मतलब ये 12 आ जाएगी, तो 12 आ जाएगी, तो मतलब ये मेरा टुडे से, मतलब ये हमको ये चीज़ चेक करना था कि ये जो होता है हमको 4 दिन पहले भी मालूम हो जाए कि कौन सा जो होता है एक्सपायर होने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये और के साथ मैंने ये कंडीशन अप्लाई की हुई है। उसके बाद हमने जो होता है 4 दिन पहले से मतलब यहाँ पे हमने 4 दिन जो मेरा एक्सपायर हो चुका है और जो 4 दिन बाद होने वाला है वो, उसके लिए मैंने ये और का कंडीशन दिया है। उसके बाद मैंने एक दूसरा ये तो वैल्यू इफ ट्रू के लिए मैंने ये कंडीशन लगाई थी, वैल्यू इफ फॉल्स के लिए मैंने एंड में अगर ये दोनों क्राइटेरिया मेरा मैच नहीं खाती है तो मैंने एक दूसरा लॉजिक दिया था एंड फंक्शन का। इसमें मैंने एंड फंक्शन में ये दिया हुआ है कि अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं खाती हैं तो मुझे जो होता है पूरे 30 दिन तक के बीच में, 30 दिन तक का मैंने क्रैम वो एक्सपायरी डेट में 30 दिन के बीच में जो भी मैच खाए वो हाईलाइट हो। तो उसके लिए मैंने एंड फंक्शन के साथ D6 ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन टुडे और कॉमा D6 माइनस टुडे और ब्रैकेट ओपन क्लोज और माइनस लेस देन इक्वल्स टू 30 डेज के लिए मैंने, क्योंकि 30 दिन के लिए अप्लाई करना था तो मैंने 30 दिन तक का एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए एंड फंक्शन के साथ वैल्यू इफ फॉल्स में मैंने ये कंडीशन दी हुई है। बस इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ से न्यू रूल ऑप्शंस पे क्लिक करना है आपको, और इसके लिए सबसे पहले चीज़ आपको अपने डेटा को पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके न्यू रूल ऑप्शन पे क्लिक करें, और उसके बाद ये लास्ट वाले फार्मूले पे आपको क्लिक करना है और वो फार्मूला आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्मेट ऑप्शन में आना है और यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर दे करके आप यहाँ सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ओके करें, दोबारा यहाँ से ओके करें, और चूंकि मैंने पहले से करके रखा हुआ तो मुझे यहाँ से दोबारा ओके करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका जो भी डेटा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इसमें ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, आपका जो भी डेटा पहले से एक्सपायर हो गया वो भी हाईलाइट हो जाएगी, जो 4 दिन बाद या फिर 30 दिन तक के बीच में कभी भी आ रहा होगा वो भी डेटा हाईलाइट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। मैं एक बार और कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरा ये चैनल में आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी उसे लाइक करें। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।